द्वीप टापू, चारों तरफ समंदर होता है। हाँ जी, बाप जो भी लक्ष्य देते हैं वो संपूर्ण लक्ष्य देते हैं या अधूरा लक्ष्य देते हैं? ब्रह्मा नंबर वार है या सब अव्वल नंबर ब्रह्मा है? है नंबर वार है, नंबर वार में अव्वल नंबर भी होगा है। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है जो ब्रह्मा सो पहले पहले विष्णु, तो पांच ब्रह्मा हैं। ये किसके आदि वाली आत्मा है जो मुरली में बोला है कि मैं अकेला नहीं आता हूँ, तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। अर्थात यज्ञ में आदि में दो माताएं और एक बाप मनुष्य सृष्टि का, तीन तो ये ब्रह्मा हो गए और बाद में दो टाइटलधारी ब्रह्मा और सरस्वती। तो विष्णु की ये पांच भुजाएं हैं जो ब्रह्मा के पांच मुखों के रूप में दिखाए जाते हैं। उनमें अव्वल नंबर कौन है? है नाम तो विष्णु का भी नहीं पड़ा, लेकिन विष्णु का पार्ट क्या होता है खास? तो मम्मा ब्रह्मा के साथ कर्मों में वाचा में कंबाइंड होकर रहती थी या अलग हो जाती थी? मम्मा के बगैर दादा लेखराज ब्रह्मा अधूरा था, अधूरा अनुभव करता था या नहीं करता था? मम्मा का स्थान जिस किसी भी शक्ति ने लिया, क्या बाबा संतुष्ट थे? अंत समय में भी क्या संतुष्ट रहे? अंतिम क्षणों में भी बाबा को जब ये पता चला कि वलरुवल पिस्त के नाम से मुझे बताए बगैर चोरी से संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया, जिसमें मम्मा की सीट लेने वाली का भी नाम था, तो बाबा अंतिम क्षणों तक भी संतुष्ट रहे या असंतुष्ट हुए? असंतुष्ट रहे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जिसने ज्ञान का बीज डाला प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों के जीवन में वो ब्रह्मा नहीं है। सब ब्राह्मण जानते हैं कि आत्माएं ज्योति बिंदु, हम आत्माएं क्या है?
ज्योति बिंदु, तो आत्माओं का बाप। लेकिन ये ज्ञान किसने दिया, ये रिसर्च किसने की? ये ज्ञान का चक्र किसने चलाया? मम्मन। तो मम्मा को भी विष्णु के चित्र में जो भुजा दिखाई गई है दाईं ओर की, ऊपर की जो भुजा है, जो होते हैं सो अर्जुन, पहले पहले ये ज्ञान का मूल चक्र किसने चलाया कि हम आत्माओं, ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप कौन, उसका असली रूप क्या, किसने बताया? ओम राधे ब्रह्मन। तो क्या ब्रह्मा का रूप नहीं है? वो विष्णु की भुजा नहीं बनेगी? बनेगी। जैसे कि वैष्णवी शक्ति उस शक्ति में शिव ने प्रवेश करके मुख के द्वारा कोई ज्ञान दिया क्या है? नहीं दिया। तो उसे ब्रह्मा कहें है? लेकिन एक होता है मुख से शिक्षा देना और एक होता है प्रैक्टिकल कर्मों से शिक्षा देना। चेहरे से शिक्षा देना ये कार्य, और कोई भी ब्रह्मा ने नहीं किया क्या है? जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली शिव की मूर्ति है वो कौन सी है? वैष्णवी। तो ब्रह्मा नहीं कहेंगे? इसलिए विष्णु के चित्र में चार भुजाएं, सहयोगी आत्माओं के रूप में दिखाई गई है और भुजाएं जड़ होती है या चैतन्य होती है? चैतन्य होती है, अपने आप चलती है। भुजाओं को चलाने वाली आत्मा होती है चैतन्य। उन चारों ही भुजाओं को चलाने वाला जो सुपर ब्रह्मा है वो एक ही है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए मुरली में याद दिलाया बाबा ने खास कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय मत लिखो, ब्रह्मा कुमार कुमारी मत कहो, क्या कहो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा माताएं तो अनेक हो सकती हैं, लेकिन बाप तो एक ही होना चाहिए, नहीं तो नई सृष्टि की स्थापना नहीं हो सकती। ब्रह्मा भोजन के बारे में, तो एक होता है हद का भोजन, हद के पेट का भोजन, पेट स्थूल है तो उसका भोजन भी
स्थूल है, और एक होता है बुद्ध रूपी पेट का भोजन। क्या? बुद्ध रूपी पेट का भोजन। और वो बुद्ध रूपी पेट का भोजन भी पहले ब्रह्मा ही तैयार करेगा या ब्राह्मण तैयार करेंगे? है? कौन तैयार करेगा? ब्राह्मण तैयार करेंगे, ब्रह्मा तैयार करेगा? है? हैं? सभी ब्रह्मा में वो शक्ति प्रवेश करती है, सुप्रम सुपर पावर सुप्रीम सोल, तभी ब्रह्मा कहा जाता है। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा होगा वो अव्वल नंबर होगा कि पहले नंबर का होगा? पहले पहले होगा। है? एक होता है नंबर के हिसाब से पहले आने वाला। स्कूल में भर्ती होती है स्टूडेंट की, तो कोई स्टूडेंट पहले भर्ती हो जाता है, कहेंगे पहले नंबर का आया हुआ स्टूडेंट है स्कूल का। और एक होता है अव्वल नंबर पास होने वाला स्टूडेंट। जैसे परिवार में बड़े बच्चे की पैदाइश होती है, और बड़ा बच्चा भी रचना कहा जाता है, बाप की रचना। तो वो बड़ा बच्चा बाप की अव्वल नंबर रचना है या पहली रचना है? पहली रचना है, उससे पहले कोई रचना नहीं है। तो फिर तो परिवार में पहली रचना माता है, लेकिन अव्वल नंबर रचना नहीं है, क्योंकि माता मोह के कारण अपनी सारी ताकत किसको अर्पण कर देती है? सब बच्चों को नहीं, पहले बच्चे को अपने सारे जीवन की प्योरिटी की पावर अर्पण कर देती है, तब पहलौटी का बच्चा जन्म लेता है। तो वो अव्वल नंबर रचना हो जाती है बाप की। माँ को अव्वल नंबर रचना नहीं कहेंगे, पहली रचना है। उसी तरीके से जो ब्रह्मा अनेकों के नाम है, उनमें पहला पहला ब्रह्मा कौन है? कौन कोई कहता है प्रजापिता? अरे प्रजापिता तो नाम ही तब पड़ता है जब वो ब्रह्मा से जन्म लेकर ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता था क्या? तो प्रजापिता पहला ब्राह्मण तो है, लेकिन पहला ब्रह्मा नहीं है। पहला ब्रह्मा कौन? जगदम्बा के मुख से सुना, दादा लेखराज के मुख से डायरेक्ट नहीं सुना, माता के मुख से सुना।
तो मुख से सुन करके मुखवंशावली पहला ब्राह्मण प्रजापिता हुआ। भक्तों को ही साक्षात्कार होगा, जो अव्वल नंबर भक्त होगा उसी को साक्षात्कार होगा। पहले साक्षात्कार, साक्षात्कार एक होता है बुद्धि का और एक होता है बंद आंखों का साक्षात्कार। जिनको बुद्धि नहीं होती है लेकिन प्योरिटी की पावर होती है उनों को बंद आंखों का साक्षात्कार होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण के बीच में, दोनों के बीच में तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, तो अव्वल नंबर सीता या अव्वल नंबर भक्ति कौन? लक्ष्मी नारायण के बीच में लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण को जो राम वाली आत्मा है उसको भक्त नहीं कहेंगे, सीता नहीं कहेंगे। राम है एक और बाकी सब हैं सीता है। मेरी बिंदी का ही नाम है, वो नहीं कभी बदलता। बाकी राम ये किसका नाम है? बिंदी का नाम है नहीं? जरूर कोई साकार स्वरूप है, कोई आत्मा है जो भक्ति नहीं करती किसी की। ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में भी किसी की भक्ति नहीं करेगी और किसी की बात भी नहीं मानेगी साकार की। किसी से पढ़ाई भी नहीं पढ़ेगी, किसी साकार मनुष्य मात्र को अपना बाप भी नहीं मानेगी, टीचर भी नहीं मानेगी और गुरु भी नहीं मानेगी। इसलिए मुरली में बोला है इस समय भारत है पूरा नास्तिक है, आस्था ही नहीं है किसी के ऊपर। जब आस्था बैठेगी तब कहेंगे भारत आस्तिक हुआ। समाधान हुआ? हाँ। तो ब्रह्मा भोजन जो है, कोई तो ब्रह्मा है जो सबसे जास्ती भोजन अच्छा तैयार करने में सिद्ध हस्त हो। सिद्ध हस्त माना परफेक्ट अर्थात दक्ष, ट्रेंड हो, ट्रेंड माने दक्ष है, दक्ष नहीं, दक्ष माने ट्रेंड। शास्त्रों में उसका नाम दक्ष प्रजापति रख दिए है। दक्ष है, ट्रेंड है, परफेक्ट है, किस बात में? याद, याद में, याद का भोजन बनाने में।
तो जो बेहद का बाप के द्वारा बनाया हुआ भोजन है, उस भोजन को जो खाते हैं, वो हुआ बेहद का ब्रह्म भोजन। और खाने वाले ये अनुभव कर सकते हैं कि हमने वो बेहद का भोजन खाया और अनुभव किया या नहीं किया, क्योंकि भोजन खाने के बाद शक्ति आती है। पानी पीने से भोजन पचता है, क्या ज्ञान है? जल। भगवान का जो ज्ञान है, जिसे गीता ज्ञानामृत कहा जाता है, जो मनन चिंतन मंथन के द्वारा निकलता है, वो ज्ञान जल ज्ञान अमृत है। उस अमृत को पीने से देवताएं अमर बनते हैं, क्योंकि वो ज्ञान जल ज्ञान अमृत भोजन को पचाने में बहुत सहयोगी होता है। तो पानी भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, इसलिए यज्ञ में आदि से ही परंपरा डाली गई है। क्या? पहले भोजन खाओ और बाद में पानी पियो। तो भोजन भी पच जाएगा और पानी भी सफल हो जाएगा। इसलिए एक मुरली में बोला भी है कि आगे चल के लोग देखेंगे इतने बड़े विश्व के मालिक विश्व महाराजन और भोजन पका रहे हैं। वंडरफुल बात है। तो कौन से भोजन की बात होगी? वो नारायण बैठ करके वो स्थूल रसोई में जा करके वो क्या नाम वो करछी चला रहा होगा, चूल्हा जला रहा होगा। अभी जो एडवांस का ज्ञान है वो विकृत रूप में बीके वालों के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है। यहाँ वाणी चलती है और तुरंत पहुँचाने वाले वहाँ पहुँचा देते हैं। ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, ऐसे कहा, वैसे कहा। हाँ, अरे जा नहीं रहे हैं अभी क्या है? अगर नहीं गए होते तो बाबा ने ये मुरली में महाभारत के पहले से क्यों बोल दिया कि वहीं देखो तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर यादगार बना हुआ है और वहीं तुम प्रैक्टिकल में बैठे हुए हो। तुम ब्राह्मण वहीं दिलवाड़ा मंदिर में प्रैक्टिकल में बैठे हुए हो, तो ये प्रैक्टिकल में बैठने के लिए फाउंडेशन
पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। सरस्वती नहीं, ग्लानी के हिसाब से जब बोला तो बोला सबसे जास्ती ग्लानी होती है शिव बाबा की। शिव बाबा, शिव बिंदु नहीं। और उसके बाद दूसरे नंबर की ग्लानी होती है ब्रह्मा की। नहीं, ऊपर से आने वाली परम धाम से आने वाली आत्मा संपूर्ण होती है, परिपूर्ण धाम से आई है या अपूर्ण होती है? तो संपन्न आत्मा है, सात्विक आत्मा है। सात्विक आत्मा में कोई प्रकार का दूषण होने का सवाल होता ही नहीं। जिसमें प्रवेश करती है उस आत्मा ने संगम युग में ये प्रैक्टिस डाली है, योग को योग के नाम पर विकृत किया है। क्या विकृति की है? यही विकृति की है कि बाप ने तो बताया कि पवित्र रहना है, एक का संग करना है, पवित्र इंद्रियां बनानी है, इंद्रियों में विचार पैदा नहीं करना है। उन्होंने स्थूल पवित्रता तो धारण कर ली, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है भक्ति मार्ग में, लेकिन आंखों की पवित्रता को धारण ही नहीं किया। दृष्टि से पतित होना और पतित बनाने की प्रक्रिया यज्ञ के अंदर चालू करा दी। ऐसी आत्माएं जो यज्ञ के अंदर घुसी हुई थी, जो आज से ही दृष्टि का करप्शन फैला रही है, दृष्टि के विचार में आ रही है, उनमें कमजोरी के संस्कार आएंगे या शक्तिशाली बनने के संस्कार आएंगे? लंबे समय के पुरुषार्थ में वर्षों तक कमजोरी के संस्कार भरते ही रहे, भरते ही रहे, भरते ही रहे। इन कमजोरी के संस्कारों के कारण नंबर दो का नारायण बन जाता है, वो ही नारायण इंद्रियों का सुख भोगने में जो 10 करोड़ देवताएं हैं उनके बीच में सात से सीखा जाता है। इंद्रियों का ज्यादा सुख भोगेगा या कम भोगेगा? ज्यादा से ज्यादा सुख भोगता है। तो पहले पहले गिरेगा कौन? द्वापर युग के शुरुआत में पहले पहले कौन आत्मा इतनी कमजोर बनेगी जो ऊपर से आने वाली आत्मा के लिए घोड़ा बन जाए, रथ बन जाए? कौन आत्मा होगी? कौन से धर्म की होगी? इस्लाम धर्म की होगी। व्यभिचारी आत्मा, व्यभिचार के संस्कार उसने ब्राह्मण जीवन में ही सबसे जास्ती धारण कर लिए।
तो आत्माएं निमित्त बन जाती हैं लक्ष्मी नारायण सेकंड इब्राहिम, और इब्राहिम के पीछे जो भी आत्मा उतरेगी वो दोनों आत्माएं उन सेकंड लक्ष्मी नारायण में प्रवेश कर जाती है, उनको कंट्रोल कर लेती है। कमजोरी नीचे वालों में होती है या ऊपर में? नीचे वालों में कमजोरी होती है। वही कमजोरी का संग का रंग पहले ही जन्म में इब्राहिम और उसके साथ वाली आत्मा को लग जाता है, अगले जन्म में वो भी नीचे गिर जाती है। शंकर जो शब्द है वो एक आत्मा का पार्ट है या मिक्स आत्माओं का पार्ट है? माना भारत जो है वो सिर्फ शुद्ध भारत है, 84 जन्म लेने वाले ही भारत है। 84 जन्मों की कहानी सिर्फ भारत और भारतवासियों की है जिन्होंने कम जन्म लिए, वो भारतवासी नहीं है। बाप जो हमें लक्ष्य देते हैं पक्का भारतवासी बनाने का, वो सूर्यवंशी बनने बनाने का लक्ष्य देते हैं या चंद्रवंशी बनने बनाने का लक्ष्य देते हैं? सूर्य के बच्चे भी सूर्य, चंद्रमा बनने का लक्ष्य नहीं दिया। तो जो चंद्रमा बनने वाली आत्मा है उसको तो अपना शरीर ही नहीं होता, पराए शरीर में प्रवेश होकर के विष्णु का पार्ट बजाती है संगम युग में। पराए शरीर में रह करके संपन्न पार्ट है, पार्टनर हैं दोनों नई दुनिया के। उन पार्टनर में एक मुखिया और एक सहयोगी। तो कौन हुआ मुखिया? विष्णु के जो पार्टधारी 5 आत्माएं हैं विशेष, उनमें मुखिया पार्टनर कौन है और असिस्टेंट कौन है? विष्णु पार्ट में बैठते हैं, मुखिया पार्ट में, लेकिन क्या है वैसे भी ऐसे है जैसे भारत के अंदर सन्यासियों का पार्ट है। सन्यासियों ने क्या किया? गिरते हुए भारत को थमा दिया। ऐसे ही जो रुद्रमाला है, रुद्रमाला के मणके जिनकी चारियों की शूटिंग पूरी हुई 2004 में, अब वो तामसी वृत्ति की ओर जा रहे हैं या सात्विक वृत्ति की ओर जा रहे हैं? तामसी होते चले जा रहे हैं। अंदर से समझती नहीं, ये राइट है ये रंग है, ये करना है ये नहीं करना है, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। मजबूर तो परिवर्तन शक्ति चाहिए, जो नहीं है लेकिन परिवर्तन शक्ति चाहिए, वो शक्ति भी परिवर्तन शक्ति धारी कब बने? ये बाप से
वो कहाँ है, किस ग्रुप के बीच में है? सुद्रमाला के बीच में है वो है, वो विजयमाला है। विजयमाला में है, लेकिन विजयमाला में किस ग्रुप में है? चंद्रवंश में है। वो चंद्रवंशी सन्यासियों से प्रभावित हो गए। सन्यासियों ने भक्ति मार्ग में जो आडंबर फैलाया, वो सारा आडंबर उन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान सर्वव्यापी हो गया। एक वाली एक व्यापी वाली बात उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती, सुनने के लिए भी तैयार नहीं। वो बेसिक का सारा ग्रुप सन्यासी है, खास करके विजयमाला के मणके बनने वाला ग्रुप क्या है? सन्यासी है। और धर्म वाला है तो व्यभिचारी है। अगर सन्यासी है तो पवित्रता को महत्व देने वाला है, लेकिन उनकी पवित्रता दूरवाद खुशवाद वाली है या भगवान की सिखाई हुई पवित्रता है? दूरवाद खुशवाद वाली पवित्रता। इसलिए वो विजयमाला की हेड और विजयमाला के मणके भी अगर आएंगे तो वो तब तक नहीं सहयोगी बन सकते जब तक के एडवांस ज्ञान न उठावे। क्या तब तक नहीं बन सकते? उनको भी इधर आकर सरेंडर होना पड़ेगा। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोल दिया है, ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं समझ लेना, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह मना देंगे। कहाँ मना देंगे? बेसिक में। बेसिक की तो बात ही नहीं, एडवांस की बात है। उनको ज्ञान सुनना पड़े, समझना पड़े और धारण भी करना पड़े। यही थोड़े ही कहा कि शंभु का ही वर्ण करूंगी हर जन्म में, ये कहा वरहू शंभु न तो रहू कुंवारी, या तो बाल ब्रह्मचारी रहूंगी या तो शंभु का ही वर्ण करूंगी, और कोई का वर्ण नहीं करूंगी। अरे भक्ति पतित बनती है या ज्ञानी पतित बनता है? भक्ति पतित बनती है, सीताएं पतित बनती है, राम पतित बनता है, ऐसे तो नहीं कहा जाता। राम कहा जाता है उसको जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, योगियों की मन बुद्धि किसमें धरी रहती है? राम में धरी रहती, बिंदी में नहीं, राम में धरी रहती है।
ऐसे बोला, ये बोला, ये किया, वो किया। जैसे माँ बच्चे को याद करती है तो बच्चे की बातें भी याद आती हैं, बच्चे का एक्ट भी याद आता है, बच्चे का रूप स्वरूप भी याद आता है। ऐसे ही जो योगी लोग हैं वो किस में रमण करती है, उनकी बुद्धि राम के रूप में रमण करती है, उस निराकारी स्टेज में रमण करती है, उसकी बातों में रमण करती है, उसकी एक्ट में रमण करती है। इसलिए राम कहा जाता है। मुख्य प्यार से पैदा ही होती है। लेकिन बाबा यहाँ अभी जो कली ने जो विचारी सचिन शादी होते हैं उसका और उसकी उसकी स्थान यहाँ होती है बाबा, उसकी स्थान स्थान पर यहाँ होती है, यहाँ लौकिक कली में जो विचारी सचिन शादी बनते हैं बाबा, अरे भाव प्रधान विश्व रचि राखा, कोई कर्म करते हैं उसमें भाव प्रधान होता है या कर्म प्रधान होता है? चुम्बन तो भाई बहन भी है, चुम्बन तो माँ भी बच्चे का लेती है, बच्चा भी माँ को प्यार करता है, कर्म तो वो ही है लेकिन भाव तो भाव के आधार पर प्राप्ति होती है। भाई बहन का प्यार, भाई बहन का चुम्बन, माँ बेटे का प्यार, उससे शक्ति क्षीण नहीं होगी लेकिन जो पुरुष और स्त्री के रूप में जो आकर्षण है उस आकर्षण के आधार पर जो चुंबन होता है और लगातार होता रहे तो शक्ति क्षीण होगी। ऐसे थोड़े कहते हैं शंकर तेरी गंगा मैली, शिव बाबा तेरी गंगा मैली है। न गंगा शिव की है, न गंगा शंकर की है, जो फेल होता है उसी की गंगा है, जो खुद फेल होता है तो उसकी गंगा मैली नहीं होगी, उसकी गंगा भी मैली होगी। राम तेरी सीता मैली कहते हैं क्या? शंकर तेरी पार्वती मैली कहते हैं क्या? कहते हैं नहीं, नहीं।, नहीं कहते। पंच नाम ही उन्हें रहा किया नाम दिया है कि वो पांचों के पांचों, उनका मुख्य काम क्या है? जो पांच पंचों का राज्य है उन पांच पंचों का काम क्या है? उनका काम है छेद कर देना,
क्या छेद माना खोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खंडनात्मक कार्य है उनका। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, उसको पंचों का राज्य कहा जाता है, है? हाँ, होती नहीं है यहाँ शूटिंग, यहाँ ही शूटिंग होती है। यहाँ अभी राम का राज्य चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। अगर मान लो गीता पाठशाला ही चलती है तो गीता पाठशाला में जो नियम कानून सिर्फ राम के चलते हैं, या आपस में एक दूसरे के संगठन में इकट्ठे होकर के जो फैसला करते हैं वो चलते हैं, है? वो भी चलते नहीं, वो ही चलते हैं। कैसा होता है संस्कार, तो विचार के रहेंगे या विचार के संस्कार रहेंगे? तो क्या करेंगे, वैश्या बनेंगी या सधवा बनेंगी? वैसा बनते हैं थे, क्या बनेंगे फिर? अरे जो राजा बना और सैकड़ों रानियां रखी और सैकड़ों रानियां रखने के बाद उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, एक का बना कर नहीं रख पाया, उनकी जिंदगी खराब कर दी। राजाओं ने ऐसे ऐसे राजाएं भी हुए हैं, दुष्ट राजाएं, जिन्होंने थोड़ी गलती पाई और रानियों को निकाल दिया, ढेर की ढेर रानियों को रखा और फिर बाद में निकाल दिया। अब वो बेचारी कहां जाएंगी, क्या करेंगी? अरे वो क्या बने करेंगी, वो सारा जीवन विधवा रह करके निभाएंगी या विचारणी बनेंगी? है विचारणी बनेंगी, तो इसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? राजा के ऊपर पाप चढ़ेगा। तो राजा को अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? है नहीं, वो स्त्री, वो जन्म में एक जन्म में स्त्री, एक जन्म पुरुष, वो बात अलग। हाँ, विचारणी स्त्री बनना पड़े, तुम भी तो भोगो कि वैश्याओं को जीवन में क्या तकलीफ होती है। ऐसे ही सन्यासी अपना घर बार तो छोड़ देते हैं, यतीम बना देते हैं, परवाह नहीं करते। अब घरवाली बेचारी क्या करे, 6-8-10 बच्चे हैं, प्रॉपर्टी कोई खास है नहीं, पति सन्यासी बन गया, वो बेचारी क्या करेगी? समाज तो गंदा है, जबरियन उसे वैश्या बनना पड़े, तो इसका पाप किसके ऊपर जाएगा? सन्यासी के ऊपर जाएगा। उन्होंने ऐसा किया है,
माने अलग से रत्न और पैसा कमाने की दरकार नहीं पड़ेगी, यही कह रहे हैं ना कि जो ज्ञान रत्न लिए हैं वो ज्ञान रत्न ही स्थूल रत्न बन जाएंगे, स्थूल धन संपत्ति बन जाएगी, यही कह रहे हैं ना। अलग से धन संपत्ति और रत्न कमाने की और खरीदने की दरकार नहीं रहेगी, यही कह रहे हैं। क्या बात समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे है? कब बनेंगे? माना दुनिया में जो झूठा ज्ञान दे रहे हैं, झूठे ज्ञान के आधार पर वो क्या कोई लौकिक धंधा कर रहे हैं कि झूठे ज्ञान के आधार पर ही करोड़पति अरबपति बन करके सन्यासी बन के बैठ गए? तो वो बन सकते हैं, यहाँ सच्चे ज्ञान वाले नहीं बनेंगे? अरे नहीं बनेंगे हैं? ब्रह्मा बाबा का जीवन, तीनों मूर्तियों का जीवन देख लो। अरे शिव की तीन मूर्तियां हैं, वो ब्राह्मण हैं कि नहीं? उन्होंने भगवान के रत्न धारण किए कि नहीं बुद्धि में? तीनों मूर्तियां दुनियावी धंधा कर रही हैं, दुनियावी धंधे के आधार पर जीवन जी रही हैं, यह सिर्फ ज्ञान रत्नों का ही धंधा है उनका? ज्ञान रत्नों का धंधा है तो करोड़पति अरबपति नहीं है? उनकी मुट्ठी में करोड़ अरब नहीं है? अरे तो ये बात बुद्धि में क्यों आ रही है, प्रश्न क्यों? इस फूल में ही जो तीन मूर्तियां हैं शिव की, वो पहचानी कि नहीं आपने? अरे शिव की तीन मूर्तियां जो विश्व विजय करके दिखलावे, जिनकी यादगार में झंडा बना है तीन कपड़ों का, उन तीन कपड़ों को पहचान लिया? पहचान लिया है? तो इसीलिए प्रश्न कर रहे, पूरा ज्ञान उठाते नहीं। एडवांस ज्ञान तभी कंप्लीट है जब तीन मूर्तियों का पक्का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए। वो तीन मूर्तियां कौन है इस दुनिया में जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाएंगी, जिनकी यादगार में हमारा झंडा बना हुआ है, जिसमें तीन कपड़े हैं, कपड़ा माने शरीर, ये तीन कपड़ा रूपी शरीर कोई है चैतन्य में इस दुनिया में, ब्राह्मणों में साकार में है, जो तीनों जब इकट्ठे होकर के कार्य करते हैं तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते, जो बाप प्रत्यक्ष हो जाता था संसार में। तो कल सप्ताहिक कोर्स लेना कहीं बैठ करके, और जिससे लोग उससे कहना कि पहले हमें तीन मूर्तियों का राज समझाओ
कौन सी है वो तीन मूर्तियाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करेंगी? फिर आपकी समझ में आ जाएगा। माना बाप के दो रूप हैं, एक माँ का रूप और एक बाप का रूप, जिनको हम कहते हैं बाप दादा। ये दोनों ही बाप का ही रूप है, इसलिए मुरली में कहीं कहीं आता है ब्रह्मा बाप को कहा जाता है। तो प्रैक्टिकल कर्मों की जहां बात है, वो प्रैक्टिकल कर्म दुनिया में भी देखा जाए तो माताएं कन्याएं अच्छा प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाती है या पुरुष अच्छा कर्म करके दिखाते हैं? माताएं कन्याएं अच्छे कर्म करके दिखाती हैं। दुनिया की माताओं कन्याओं की सबसे बड़ी माता, माताओं की भी माता जगदम्बा, और जगदम्बा में भी प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? ब्रह्म। तो उसी ब्रह्मा को प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो करने के लिए बोला। जगदम्बा तो डब्बा है, उस डब्बे को चलाने वाला, उसमें आवाज करने वाला कौन है? चंद्रमा। वो चंद्रमा को फॉलो करने के लिए बोला। ब्रह्मा बाप है ना, बाप समझ? हाँ, वो ब्रह्मा बाप भी है क्योंकि शिव बाप उसमें प्रवेश हुआ ना। और लेकिन ब्रह्मा तो बच्चा को के बच्चा को बड़ा वाले आपका तो ज्ञान के प्यार करते हैं बाप। ज्ञानी तो आत्मा विशेष लेकिन ब्रह्मा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं है ना, वो विशेष है। उनके प्रति क्यों ऐसे विशेष से है बाप को? ये सात आत्मा है प्रैक्टिकल में है कहाँ? प्रत्यक्ष अगर कहें तो वो तो सतयुग में होगा अपने शरीर से, अभी तो नहीं है ना। अभी तो सिर्फ हम आत्मा की ही बात कर सकते हैं, बच्चे के रूप में तो नहीं है कोई। हाँ, जन्म नहीं हुआ। इस सच रूपी रंगमंच पर मेरा कौन सा विशेष पार्ट है मुझ आत्मा का जो दुनिया में प्रसिद्ध होता है? मैं कौन सा स्टार हूँ? नौ लाख सितारे हैं ना आसमान में, जो खगोल विद्या को जानने वाले हैं वो नौ लाख सितारों की जानकारी रखते हैं ना। किस ग्रुप के हैं,
कितना चक्कर काटने वाले हैं? छोटा चक्कर काटने वाले हैं या बड़ा चक्कर काटने वाले हैं? कौन कितने सूर्य के नजदीक है, कौन कितने दूर है, किसमें क्या विशेषता है, तो ये जानकारी दूसरों को तो बाद में होगी, पहले तो आत्मा को स्वयं अपने पार्ट की जानकारी होनी चाहिए कि संगम युग में मुझ आत्मा ने कौन सा विशेष पार्ट बजाया या बजाने वाली हूं। वो ही आत्मा का जन्म है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल जन्म ले सकता है, उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो बच्चों का नहीं होगा, बच्चों का भी होगा। नंबर वार है, कोई संसार में पहले प्रत्यक्ष होंगे, कोई बाद में प्रत्यक्ष होंगे।